वाटर निमोनिया डिजीज। आज हम लोग बात करेंगे निमोनिया के बारे में, इसके कॉजेस के बारे में, इसके साइन सिम्टम्स के बारे में एंड इसका जो क्या क्या रिस्क फैक्टर है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स रेडी टू नो अबाउट द निमोनिया डिजीज। निमोनिया क्या है? तो बोला है कि निमोनिया क्या है, जब हमारे लंग्स पे एंकैम आया उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब इन्फ्लामेशन क्यों होगा? तो बहुत सारे इसके अलग अलग रीजन से हो सकते हैं, या फिर बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या सबके इन्फेक्शन के कारण, या फिर जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसके कारण भी हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी कॉजेज ड्यू टू अकर्स निमोनिया, मतलब बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं निमोनिया होने का। तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया कि बोला कि निमोनिया इज इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स पेरिकाइमा, जो हमारे लंग्स पेरिकाइमा है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ अफेक्टेड पार्ट, अफेक्टेड पार्ट के कारण क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। यह बात की। फिर बोला गया कि जो अल्वियोलर स्पेस बीन फिल्ड विद एक्सोटेड इन्फ्लामेटरी सेल एंड फिब्रिन, बोला गया कि जो हमारा अल्वियोलर एयर स्पेस है वो फिल्ड हो जाता है, या फिर फ्लूइड के कारण, या फिर किसके कारण हो सकता है, तो फेब्रिन के कारण या फिर इन्फ्लामेटरी जो सेल्स हैं उसके कारण हो सकते हैं। तो अगर जब वो स्पेस है जो फिल्ड हो जाएगा तो क्या होगा, एयर है जो पास नहीं हो पाएगा, तो एयर नहीं पास हो पाएगा, तो जिसके कारण हम लोग को क्या हो सकता है, निमोनिया हो जाएगा। ये बात की। फिर बोला गया कि यह सब जो इन्फेक्शन है, जो मैंने बताया कि यह सब जो इन्फेक्शन किसके कारण हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है, वायरस के कारण भी हो सकता है, फंगी के कारण भी हो सकता है, या फिर जो भी हम केमिकल्स वगैरह जो इनहेल कर रहे हैं उसके कारण भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे जो दिखाया गया है। जो निमोनिया का डिफिनेशन क्या है, उसके ये कॉजेस क्या है और उसके क्या थी क्लासिफिकेशन के बारे में पूछते हैं। तो फ्रेंड्स डिफिनेशन अगर पूछेगा तो हम क्या बताएंगे इसके बारे में, तो हम लोग जनरली जानते हैं कि जब हमारे लंग्स पेरिकाइमा में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है किसके कारण से, बैक्टीरिया, वायरस ये सब इन्फेक्शन के कारण से होता है, उसी को क्या बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं उसी का। तो हम क्या लिखेंगे जिसके बारे में हम बोलते हैं, तो बोला गया इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स पेरिकाइमा विच एसोसिएटेड विथ मार्क इंक्रीज इंटेस्टिनल एंड एल्वियोलर फ्लूइड, बोला कि जब इन्फ्लामेशन हो जाता है लंग्स पेरिकाइमा में किसके कारण, जब इंटेस्टिनल जो है वो इंक्रीज कर देता है या फिर जो एल्वियोलर फ्लूइड है वो ज्यादा एक्युमुलेट हो जाता है, जिसके कारण होने के कारण ये क्या होता है, निमोनिया होता है। किसके कारण हो सकता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, फंगस इन्फेक्शन के कारण हो सकता है एंड माइकोप्लाज्मा एंड प्रोटोजोआ जो है इन एड्स जमेट्स की बीमारी रहेगा, तो जिसमें माइकोप्लाज्म और जो प्रोटोजोआ है ये दोनों के ज्यादा इंक्रीजमेंट के कारण यह निमोनिया कॉज कर देता है। तो यहाँ तक जाने, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स जो इसका मेन फाइव सिम्टम्स है कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह निमोनिया है कि नहीं, तो जिसके बारे में हम बताएं। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, कि क्लासिफिकेशन में जाने कि निमोनिया के कितने टाइप्स होते हैं और किसे कहते हैं, जिसके बारे में हम बताएंगे। Hi, I am Sundaraj. Today we are discussing about the symptoms of pneumonia. Ready. First symptom is chills. Second symptom is cough. Third symptom is cough sweating. Fourth, O2 saturation decrease. Fifth, cyanosis. Sixth, rapid pulse. Seventh, increased respiratory rate. And important symptoms is sputum production. Thank you friends, see you more in my video. जानते हैं तो फायदा फिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया के सबसे पहला अस्तित्व क्या हो कि कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस इन्फेक्शन के कारण क्या हो गया, जो हमारा जो मास्टर सेल है वो क्या हो गया, मास्टर सेल एक्टिवेट हो गया और रिलीज करता है क्या क्या चीज का, रिलीज करेगा हिस्टामिन ज्यादा मात्रा में रिलीज करेगा, साइटोकाइंस रिलीज करता है और लीकोप्रीन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज करने लगता है, जिसको कारण क्या होता है, जो एल्वियोलर फ्लूइड है वो जो एल्वियोलर सैक है वो क्या फ्लूइड अति फिल्ड हो जाता है फ्लूइड से और क्या कर देता है, कॉन्स्टेंट डाइलेशन कर देता है। कॉन्स्टेंट डाइलेशन हो जाने के कारण क्या होता है कि जो हमारा एयर वे है वो क्या होता है, उसमें एयर पास करना बंद कर देता है, पूरी तरह से नहीं पास हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा O2 सैचुरेशन है हमारे बॉडी का वो डिक्रीज कर देता है और डिक्रीज होने के कारण क्या हो जाता है, हम लोग को लास्ट में हाइपोक्सिया हो जाता है और हाइपोक्सिया होने के कारण क्या हो, हम लोग को या निमोनिया हो जाता है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी हो गया। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया के बारे में। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले आता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया आता है, तो
तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या चीज है। अब हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमोनिया के बारे में। तो इसका जो क्लासिफिकेशन दो पार्ट में बांटा गया, एक को बोला गया कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया और दूसरे को बोला गया हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। मतलब कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहने का मतलब कि जो हमारे कम्युनिटी के थ्रू, जो हमारे जो कम्युनिटी है, समाज है, उसके थ्रू अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है हमारे, उसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारे लंग्स पर एन्काइमा उसमें इन्फ्लामेशन आ रहा है, क्यों बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन सबके कारण जो हमारे कम्युनिटी में है उसके कारण अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। एक्वायर्ड मतलब होना और निमोनिया हो गया और कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी से जो हम लोग को निमोनिया होगा उसको बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। और बात करते हैं सेकंड कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, जब हॉस्पिटल से अगर इन्फेक्शन के बैक्टीरिया या फिर वायरस इन्फेक्शन के कारण अगर लंग्स पैनक्रामा में इन्फ्लामेशन होता है या फिर जब हमें निमोनिया होती है हॉस्पिटल में तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। जब हम लोग डायग्नोसिस वगैरह के लिए जब हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में तो ट्रीटमेंट के लिए तो क्या होता है इन्फेक्शन वगैरह के कारण ये निमोनिया हो सकते हैं। तो ये बात की। अब हम बात करते हैं टाइप के आधार पे। तो टाइप बेसिकली जो लंग्स के आधार पे चार टाइप में बांटा गया। फर्स्ट को बोलते हैं सिगमेंटल निमोनिया, सेकंड को बोलते हैं बाइलेटरल निमोनिया, थर्ड को बोलते हैं ब्रोंको निमोनिया एंड फोर्थ को बोलते हैं लेबर निमोनिया। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो क्या चीज है सिगमेंट निमोनिया। सिगमेंट निमोनिया कहने का मतलब कि कोई भी लोब का अगर कोई सिगमेंट है, कोई वन सिगमेंट ही क्या होता है अफेक्टेड होता है उसमें, तो जिसमें अगर वन सिगमेंट में सिर्फ निमोनिया हो रहा है किसी एक पार्ट का, एक लोब का नहीं कि दोनों लोब का, सिर्फ किसी एक लोब का कोई एक सिगमेंट अगर अफेक्टेड होता है निमोनिया से तो उसको हम लोग बोलते हैं सिगमेंटेड निमोनिया बोलते हैं। बायलैटरल निमोनिया जब बोथ साइड का जो सिगमेंट है मतलब दोनों लोब का जो सिगमेंट है, कोई भी लोब का जो अगर दोनों साइड का जो सिगमेंट है वो क्या हो गया अफेक्टेड कर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बायलैटरल निमोनिया बोलते हैं। बाई मतलब दोनों, लैटरल होना तो ये होगा क्या बाइलेटरल लोब्स ऑफ अफेक्ट कर देता है लंग्स का सिगमेंट का, तो उसको क्या बोलते हैं बाइलेटरल निमोनिया बोलते हैं। बात करते हैं ब्रोंको निमोनिया, जब पैचेस लाइक फॉर्मेशन इस तरह से सर्कल सर्कल टाइप का पैचेस लाइक यहाँ पर देख सकते हो पैचेस लाइक क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है, तो जब पैचेस लाइक फॉर्मेशन हो जाता है हमारे लंग्स में तो उसको बोलते हैं ब्रोंको निमोनिया बोलते हैं। अब बात करते हैं लेबर निमोनिया के बारे में, जब हमारे लंग्स में फुल्ली पूरे तरीके से कंप्लीट अगर क्या होता है अफेक्टेड हो जाता है हमारा जो लोब है कंप्लीटली अफेक्टेड हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं लेबर निमोनिया बोलते हैं जो यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से मैंने बात किया कि सेगमेंटेड निमोनिया क्या है, बायलेटरल निमोनिया क्या है, ब्रोंको निमोनिया क्या है एंड क्या बोला गया लेबर निमोनिया क्या है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आज डिस्कस किया निमोनिया के बारे में। और अगर कोई आपको जिस टॉपिक में जिस डिजीज में अगर आपको दिक्कत है तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बताएं और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।